बता रहे हैं राजकुमार राव किधर से आते हैं? इधर से आते हैं, यहाँ जी, सीरम बैठती हैं, यहाँ से अपना कपड़ा पसंद करती हैं, वो चंदरी साड़ी है जैसे सलवार सूट वगैरह है जी वो जी अपना पसंद करती हैं जी। तो वो सीन यहाँ से बखूबी लिया गया है, जी यहाँ से वो सीन फरमाया गया है। ये देख, यहाँ पे हीरो रहते हैं, पलंग रहता है, यहाँ पे सोते हैं छत पर जी जी। उधर से पंकज त्रिपाठी आते हैं, इधर से आते हैं पंकज त्रिपाठी जी 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 जी। और यहीं स्त्री बन की होती मंडप मंडप रहता है जी जी जी। हाँ जी, वही लोकेशन है जी जी। तो यहाँ पे वो सीन फरमाया गया है जी जी। तो ये देखते हैं, और राजकुमार राव भी रहते हैं यहाँ पे? हाँ, शुरू स्त्री गणेश नवा स्त्री टू की यहीं से होती है जी जी। तो ये देखते हैं, बन भी यहाँ होती है, मंडप रहता है, स्वागत सीन जो लिया गया था वो भी अच्छा, वो ये इसी का ही है सारा। हाँ, तो यहाँ पे पूरी सजावट कर दी गई जी, इसकी जी, सजावट सजावट जी जी। तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चरें बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अंकल जी, हमारे राजपूत है जी, ठीक है। ये देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम इनका। और ये देख लो भाइयों, इस प्रकार की लोकेशन है, और सीन वहाँ पे पलंग पड़ा रहता है। वो पलंग आपका होता है या उनका होता है? उन्हीं का होता है, उन्हीं का होता है वो पलंग। हीरोइन वहाँ रहती है, हीरोइन का उधर खड़ी रहती है जी जी। अच्छा, सपने का गाना है, कभी वो गायब हो जाती कभी आ जाती, तेरे बिन तेरे ही रहेंगे, तेरे बिन तेरे रहेंगे। ये देखते हैं भाइयों, तेरे हैं तेरे ही रहेंगे, वो सॉन्ग यहाँ से फरमाया गया। अच्छा, ये पाइप देख रहा हूँ, उन्होंने लगाया ये? जी नहीं, वो अपना चालू हो जाता। अच्छा अच्छा, वो जाली जाली कर देते गिर गिर। अच्छा अच्छा, ग्रिल अप नहीं लगाते हैं वो जी जी जी। अच्छा, एक मेज वगैरह पड़ जाती है, वो आपकी होती है उनकी होती है? हमारी होती है, अंकल जी की होती है। ये देखते हैं, इसका इतिहास बता सकते हो, क्या इतिहास है इसका? इतिहास तो इसका वैसे कहा जाता है कि ये राजा शिषपाल की नगरी चंदेरी है जी जी, ऐतिहासिक नगरी बोला जाता है। इसके बाद में बहुत से राजाओं ने राज किया जी जी जी, जैसे चंदेल परमाल जी जी हैं, बुदेलों ने भी राज किया, लास्ट में किया है 1600 में राजा दुर्जन सिंह जी ने जी जी जी, जो बाबर ने चलाई की कटी घाटी काट के जी जी। अंकल जी, तो बाबर ने चलाई की तो खूनी दरवाजा बोला, एक रात में कटी घाटी का, एक रात में कटी घाटी का निर्माण किया गया था, ये तो बात सत्य है जी। हाँ जी जी, तो चढ़ाई करी तो सब राजाओं सेना मर चुके थे जी जी। यहाँ पे 60 रानियाँ जोहर ऊपर किला पे जी जी, तो जोहर ताल भी बना हुआ है, इनका ये इतिहास है, बहुत से राजाओं ने राज किया है जी जी जी। तो ये देखते भाई, यहाँ की एक इतिहास है ये यहाँ का, ठीक है। ये देखते अंकल जी, रात के समय में कोई आता होगा यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता, बंद कर दिया जाता है यहाँ से। हाँ, कहाँ से दिखाई दे? सात मंजिल है पूरा, एक मंजिल वो नीचे है, इसके नीचे जी जी। ये देख, ये देखते हैं, यहाँ से दिखा देंगे हम आपको, वही वाकई में बहुत है ये तो नीचे तक। हाँ, ये देखो भाई, ये नीचे तक है ये। अंकल जी कह रहे एक मंजिल और नीचे तभी हुई है इसके, तो इसके नीचे भी एक मंजिल और होगी। हाँ, इसका पता नहीं है, लेकिन एक मंजिल और है, जैसे ये बना है ऐसे कैसे। ले शेरू, यहाँ देखते भाई हो, और ये देख लो बेटा, जो पिक्चर बनी है स्त्री, वो इसी के अंदर बनी है। आप यहीं पे थे जब, मतलब एक्टर वगैरह थे? श्रद्धा कपूर से मिले हो आप? देखते भाई हो, तो यहाँ का भी कोई सीन लिया गया इधर का रास्ते का कुछ? अच्छा, वो हाथी का सीन लिया गया, और हाथी के अंदर छुप जाते हैं रात को, वो सरकट आ जाता है उस ग्राउंड में, वहीं हुआ था वो। तो आप तो देख रहे हो यहाँ से पिक्चर बनते हुए, तो बहुत भीड़ लग गई होगी। तो ये देखते हैं भाई, ये देखते हैं भाई, ये भाई भी देखने के लिए आए हुए हैं इस चीज़ को। और देखो भाई, कमरों के अंदर कमरे, ये देखो एक खिड़की, एक खिड़की है इसमें, और देखो आ जाओ भैया, ये खिड़की देखो काफ़ी पुरानी हो गई यार, बहुत पुरानी है यार। और यहाँ से साफ साफ व्यू भी देख सकते हैं आप सभी, एक खिड़की ये भी है भाई, शीशे से लगे पुराने ज़माने की खिड़कियाँ हैं। ये क्या चीज़ है भाई, ये भी देखने के लिए है भाई। और आज तक किसी ने ये सामान वगैरह रखने के लिए छोटी सी आली घुमाए जाते थे व्यू है। और ये देखो पूरा चंदेरी देख लो जी, किला भी चमक रहा है, थक चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं भाई, मेहनत शूट किया था। अच्छा, कहाँ पे? वहाँ पे। अच्छा, उधर उधर शूट किया था। जो ये महल मैंने आपको पूरा दिखा दिया ऊपर भाई, वो वहाँ भी जाने का कहीं से रास्ता है? चंदेरी का पूरा चंदेरी दिखा दूँ आज आपको। ये देख लो भाई, ये है चंदेरी, और ये पहाड़ भाई, पहाड़ बहुत है यार आपके यहाँ। आपने देखी, आपने भी देखी है हीरोइन, आपने भी देखी है? हाँ। अच्छा, दूर से देखी होगी बेटा, है ना? ऊपर वहाँ भी गए हो आप घूमने के लिए कभी उस पर? कैसा लगता है वहाँ से? ये देखते हो, तो बहुत ऊंचाई पे है। हाँ। तो भाई वो किसी राजा का था, देखो वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे चमक रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे। मैं वहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि भाई वो बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, ये यहाँ से देखिए, ये देखो भाई राजा रानी का महल देख लीजिए इधर से। ये देखो भाई, पूरा महल दिखा दिया मैंने आपको, और इधर भी कुछ रहा होगा उस टाइम का, पुराने ज़माने का, अब तो खंडर हो गया, ठीक है। ये देख लो जी भाई, और अब ऊपर लेके चलते हैं जी, वहाँ पे जाएंगे अब आपको लेके, ठीक है। ये देखो भाई, ये था राजा रानी का महल, ठीक है, जहाँ पे स्त्री टू शूटिंग लोकेशन हुई है, पूरी की पूरी पिक्चर फरमाई गई है। इस सारे भैया ना भाई, फिर से स्वागत हमारे एक नई वीडियो में, और थारा भाई वारे के नारे करने पहुँच गया भाई चंदेरी गांव में। ये देखते भाई,
आज से कुछ महीने पहले एक पिक्चर आई थी स्त्री टू, और उसका सीन यहीं पे फरमाया गया है। देखते हैं अभी आपको मैं राजा रानी का जो महल है ये दिखाऊंगा, जो कि चंदेरी में है। ऊपर एक किला भी है देखते भाइयों। तो चलते हैं इधर से रास्ता जा रहा है जी, तो चलते हैं इधर से भाइयों। ये देखते हैं छोटे छोटे बच्चे मिले हैं, इनसे बात करेंगे। ये देखो भाइयों बेटा, राजा रानी का महल कौन सा है, कौन से वाला, ये सामने ये। अच्छा ये देखते दोस्तों, तो चलता हूँ इधर से लेके, यहाँ से ये लिखा हुआ भी है इस पर, तो अगर कोई होगा तो बातचीत भी करेंगे। ये सामने जो गेट है बेटा यही है। तो ये देखते, पिक्चर देखी आपने, पिक्चर देखी आपने, कैसी लगती है, आपके गांव में पिक्चर बनती है, हीरो हीरोइन देखे आपने, देखे आपने हीरो छोटू मिला है। बेटा नाम क्या है आपका? मेरा नाम उद्यान है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था बेटा राजा रानी के महल में, कुछ बता सकते हो? मैं ये जो राजा रानी का महल है, एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है चंदेरी की। अच्छा अच्छा। और ये जो महल है ये राजाओं के रहने के लिए एक बहुत ही विशेष स्थान माना जाता है। तो पिक्चर का जो सीन क्या फरमाया गया था यहाँ पे, क्या बन मतलब क्या सीन था यहाँ पर, जो स्त्री की स्त्री मूवी थी उसकी शूटिंग हुई थी। अच्छा। और जो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर थे वो यहाँ पर आकर मिले थे, आकर मिलते हैं। हाँ। वो सीन यहाँ पे फरमाया गया था। हाँ। कुछ गाना वगैरह भी शूट हुआ है इसके अंदर? गाना हवेली में हुआ है, वहाँ पर सामने सामने वाली हवेली में। सामने हवेली में और एक यहाँ पर हुआ है। अच्छा ये ग्राउंड में भी गाना हुआ है ना, इसमें स्त्री टू का हुआ है। अच्छा कौन सी है भाई, ये क्या चीज है भाई, कुआ सा लग रहा है कुछ, कुआ है। अभी आपको नीचे से दिखा देंगे, काफ़ी गहरा होगा भाई ये, तो ये देख लीजिए भैया। और इधर से चले, इधर देखते हैं क्या है, आ जाइए क्या है इधर कमरों के अंदर कमरे। ये भाई चमगादड़ है, वाकई में इधर चमगादड़ है भाई, जाना नहीं चाहेंगे, इधर को चलते हैं, आ जाओ। महल काफ़ी बड़ा है, और सबसे बड़ी बात है अब रख रखाव के कारण कोई रहता नहीं है इसका, ये नीचे जा रहा है। एक बार ये देख लीजिए, बड़ा मजबूत महल है भाई, बहुत ही शानदार भाई, ये देख लो जी। तो उसमें कोई रह नहीं पाया भाई फिर है, ये देख लीजिए कितना शानदार महल है भाई, वाकई में एक एकांत है, एक शांति है यहाँ पे। और उस टाइम पे तो बेटा ये फुहारा लगा रहता होगा उस टाइम पे, आपको तो बड़े बुजुर्ग बताते होंगे ये जो फुहारा है चलता होगा उस टाइम पे। ये देखते भाई, ये पत्थर से बना हुआ भाई, पत्थर के ऊपर पत्थर टिका हुआ है। एक सीन फरमाया गया है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, वो सीन सरकाटा जब आया है ना, सरकाटा, तो उस सरकाटा जब आता है भाइयों, एक हाथी खड़ा रहता है ग्राउंड में, और वो ये यही ग्राउंड है, और हाथी के वे कहते हैं भाई अब कैसे जाएंगे, सरकाटा देख लेगा नहीं तो। तो वे हाथी का यहाँ पे एक पुतला था या स्टैचू बना होता है हाथी का, ठीक है, और वो यहीं पे बना होता है भाइयों, यहाँ पे वो हाथी रहता है, और वे राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी और मना, वे तीनों रहते हैं भाइयों, और वो यही ग्राउंड है, वो यहाँ पे खड़ा रहता है वो हाथी, ठीक है। और सरकाटा एकदम से आ जाता है उधर से, वे देखते हैं एकदम से चौक जाते हैं, उधर से आता है सरकाटा भाई, वहाँ खड़ा रहता है सरकाटा, और जैसे आता है वे कॉमेडी बहुत होती है भाई उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो खड़ा रहता है, वे कैसे, वे कहते हैं कि भाई अब कैसे जाया जाएगा, और ये सरकाटा आ गया, वे कहते हैं कि अब जाएंगे हाथी से वे चलते हैं, वो जैसे चलते हैं भाई, तो इधर को चलते हैं जैसे सरकाटा एकदम से आ जाता है उनके सामने, वो एकदम हाथी से जैसे निकलने की कोशिश करते हैं, तो सरकाटा आ जाता है भाई, और वे चौंक जाते हैं। तो वो सीन इधर से फरमाया गया है ग्राउंड में से, और एक गाना भी बना था यहाँ पे, और वो गाना यहीं पे फरमाया गया है, और एक गाना इसके अंदर भी बना था, अभी आपको ये अंदर से दिखाएंगे हम कितना बड़ा ये महल है, ठीक है। ये देखते दोस्तों, ये देख लीजिए, ये है राजा रानी का महल है, यहाँ पे हाथी खड़ा रहता है, तो वो कहते हैं राजकुमार राव, अरे खांस मत सरकट आ जाएगा, तो वैसे जैसे खांसते हैं एकदम से सरकट आ जाता है भाई, और वो कहते हैं चलो लेफ्ट राइट करते रहते हैं, तो हाथी इधर ही खड़ा रहता है। तो ये देखते हैं इधर से वो आता है साइड में, और ये यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगी रहती हैं, ठीक है, रात का जो सीन है वो लाइटिंग वगैरह लगी रहती है, तो इधर ये दिखाई देता है, और यहाँ से वो हाथी लेके इधर को जाते हैं, और सरकटा एकदम आ जाता है उनके सामने, और वे चौंक जाते हैं भाई, और राजकुमार को सरकटा ठा लेता है, ठीक है, और वो सीन यहीं से फरमाया गया है। ये देखते हैं भाई, इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अब भाई मेरे साथ में है और यहीं पर रहते हैं, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है भाई सामने, एक दुकड़िया सा है, चलो इस पैलेस में को चलते हैं। इस प्रकार के कमरे हैं, और भाई कह रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, ये देख लीजिए, कोई स्त्री भी हो सकती है, फूट फूट के कदम रखना पड़ेगा मुझे। ये देखते भाइयों, इस प्रकार के है ये महल, और पहली बार आपको ये अंदर से दिखा रहा हूँ राजा रानी का महल, एक वीरान एक सन्नाटा जो कह सकते हैं भाई वो मौजूद है इसमें, ठीक है। इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आ जाइए भाई आ जा, ये देख लो पहली बार इस राजा रानी के किले को देख लो, चमगादड़ भी उड़ रही है भाई, ये देखते हैं ये कान पे चिपट जाती है, सबसे समस्या ये है। और ये क्या चीज़ है, ये क्या है भाई, इसको देखने का कोशिश रहेगी बरकरार, ये क्या चीज़ होगी भाई साहब, क्या लाजवाब चीज़ है। तो
ये क्या चीज़ है, ये देख लो भाइयों, महल में इस प्रकार की ये क्या, इसमें वो भी हो सकता है, आ जा भाई आ जा आ जा, ये देख लो ये इस प्रकार का है ऊपर से, और ये यहाँ पे भाई सुरंग तय खाना इस टाइम के देख सकते हो भाइयों, बस यहाँ पे जाके एंड है इसका, चमगादड़ उड़ रही है थोड़ा सा अंदर से, मैं वीरान सन्नाटा आ जा, ये देखते दोस्तों यहाँ का सीन फरमाया गया है भाई, हमारे आदेश भाई भी इसमें मौजूद है, और यहाँ के जो सीन है हमारे आदेश भाई बताएंगे। आदेश भाई यहाँ का, यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ, ये जगह है राजा रानी का महल, इसके अंदर ये लोकेशन है गाने की, और यहाँ पे ना गाना शूट हुआ था तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम, तो वो गाना श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव जी पे फिल्माया गया था, और ये फव्वारा भी इसमें दिखाया गया है। अच्छा, ये पाइप से उन्होंने लगाया भाई? हाँ, ये पाइप चलाने के लिए, ये पाइप उन्होंने लगाया था, इसमें मोटर डाली हुई थी जी जी भाई, और ये फव्वारे हैं, पानी निकल रहा था गाने के अंदर, और इसके चारों तरफ ना ग्रिल लगी थी जी, और ये भाई बता रहे हैं कि वो ग्रिल जो यहाँ पे लगी हुई थी ना चारों तरफ, वो थर्माकोल से बनाई थी उन्होंने अपने तरीके से, पानी की गली नहीं थी, जैसे पानी चल रहा था, पानी के छीटे वगैरह नहीं लगे इस पे। राजकुमार राव जी की जो फिल्म है स्त्री टू, उसका गाना यहीं पे शूट। अच्छा, वो आप सीन बता रहे, उड़ के कहाँ से चलता है वो? यहीं पे किसी जगह पे, वो अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इधर इधर से ऊपर ना वो खड़ी जाती है श्रद्धा कपूर, तो यहाँ से नीचे उड़ के किसी एक लोकेशन पे जाते हैं ऊपर। अच्छा, लोकेशन चारों तरफ से एक जगह दिखाई दे रही है। किधर से जाता है भाई, आपको पता हो, आप बता सकते हो? यहाँ से उड़ के जाता है, कहाँ पे? ये देखते भाई बताएगा, यहाँ से उड़ के जाता है राजकुमार, ऊपर ऊपर वो खड़ी रहती है श्रद्धा कपूर है, ये देखते भाई, और यहीं से भाई वो उड़ के जाता है और श्रद्धा कपूर पर खड़ी रहती है, इसने ये जानकारी देंगे। आधे भाई इसकी जानकारी दीजिए, क्या सीन था वो? भाई ये अंकित भाई यहीं पर रहते हैं, इनको ज़्यादातर सीन पता है, लेकिन ये बता रहे हैं अंकित भाई कि यहाँ से ये जो जगह है ये वाली, यहाँ से राजकुमार राव उड़ के जाते हैं ऊपर फिल्म में, श्रद्धा कपूर वहाँ पे खड़ी होती है, और वो यहाँ से उड़कर जब जाते हैं ना, तो इन्हीं किसी दो तीन पिलर के बीच से वो जाती रहती है नीचे, तो राजकुमार राव इधर से उड़ के जाते हैं उसके उनके पास चले जाते हैं, हालांकि वो सीन शूट हुआ होगा किसी बेल्ट वेल्ट को बांधकर ले जाया गया होगा, लेकिन वो जादू की तरह दिखाया गया सीन। अच्छा, आप बता रहे हैं यहाँ पे एक मेज वगैरह कहाँ पड़ी रहती है? यहाँ पे मेज रखी गई थी जो गाड़ी में है, यहाँ पे और यहाँ पे ना पंकज त्रिपाठी खड़े रहते हैं, इधर की साइड में जना खड़े रहते हैं उनके दोस्त, तो बोलते हैं कि सरकटे के बारे में, जो राजकुमार राव पूछते हैं कि सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं, तो वो बोलता है जना कि सरकटे का सर कटा हुआ है, तो एकदम पंकज त्रिपाठी साइड से बोलते हैं कि वाह आज को अभी के अभी आईएएस घोषित कर दो, उसको थप्पड़ चमाट लगा देते हैं। वो सीन यहाँ से फरमाया गया है, और यहाँ पे फुहारा चलता रहता है, देख सकते हैं आप, इसके साक्षात प्रमाण मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से एक पाइप लगाया गया है, और यहाँ पे एक पाइप आ रहा है, इसमें पानी चलता है मोटर लगा के, ठीक है, और श्रद्धा कपूर इधर खड़ी रहती है इधर, और यहाँ से राजकुमार राव उड़ के जाते हैं, तो वो सीन यहाँ से बारीकी से लिया गया है, ये महल है, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर लेके चलते हैं भाइयों, ठीक है, और ये देखो पूरा जो पत्थर है, राजस्थान के पत्थर से बना महल है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे भाई उस राजा रानी के महल को बनने में, उस ज़माने में क्या रौनक रही होगी, इस ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात, खासियत ये दिखा दूँ मैं आपको, इसके नीचे भी कुछ है, देखो इसके नीचे भी आपको दिख रहा होगा, बहुत ही स्पेस बाकी है भाइयों, ठीक है, तो ये देखते हैं इस प्रकार के खंभे हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, और ये है राजा रानी का महल जो कि आज मैंने आपको दिखाया, ठीक है, और यहाँ से वो सीन लिया गया था, ठीक है जी, और ये देखते हैं भाइयों, और एक सीन और भी दिखा दूँ आपको, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा वैसा है, ये इधर से चलते हैं इधर से, और कमरों के अंदर कमरे, एक कमरा फिर उसके अंदर एक कमरा, उसके अंदर फिर तीसरा कमरा, ठीक है, एक भूल भुलैया टाइप का ये है, ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं सीन यहाँ से मैच किया गया है, जब राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर मिलते हैं तो उनके लिए साड़ियाँ लाते हैं, ठीक है, वो श्रद्धा कपूर इधर ही बैठी रहती है, वो सीन यहाँ से बारीकी से लिया गया है, ये देखते भाइयों, और ये राजा रानी का जो महल है बड़ा सुंदर है भाइयों, उस ज़माने में क्या रौनक रही होगी इसमें, ठीक है, और यहाँ के एक अंकल जी है जो देखभाल करते हैं, वो मुझे इसकी जानकारी देंगे, यहाँ पे बैठे रहते हैं श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव, उनके लिए साड़ी लेके आते हैं, वो सीन यहाँ से बारीकी से ले गया, ये भी दिखाया गया भाई, ठीक है, ये लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ रील में, आज आप उसको देख लो, और गाना बना है तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे, वो यहीं पर फरमाया गया है, बड़ा सुंदर महल है भाइयों, आज तक किसी ने आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया होगा, मैंने आपको कमरों के अंदर कमरे दिखाए, जाके ये देखते हो भाई, बहुत ही लाजवाब शानदार है जी। अब चलते हैं भाइयों, ये देखते हैं, और ये देख लो भाई किस प्रकार की, ये छोटे छोटे गेट लगे होते थे, बहुत ही लाजवाब, और अनगिनत कमरे होंगे इसके अंदर, ठीक है, ये देखो भाइयों, इसके अंदर एक कमरा, फिर यहाँ से देख सकते हैं, ये देख लीजिए भाइयों, ये देख सकते हैं थोड़ा सन्नाटा है, देखो भाइयों कमरों के अंदर कमरे, ठीक है जी, और
यहाँ पे एक कमरा है, फिर उसके एक पीछे भी एक कमरा, उसके अंदर एक कमरा भाई। यहाँ पे वो सीन फरमाए गए हैं। अभी मैंने आपको राजा रानी का जो महल है आपको दिखा दिया, ये काफ़ी ऊपर तक है भाइयों, ठीक है, और पहली बार दिखाया है भाइयों, ठीक है। यहीं पे वो पूरी पूरी पिक्चर बनी है, ठीक है। इसके सामने किला भी है और यहाँ पे सामने मंदिर भी है, ठीक है। और ये राजा दुर्जन सिंह की एक रियासत हुआ करती थी कभी पहले, ठीक है। और भाइयों पूरे इसमें जो पत्थर का प्रयोग किया गया है, राजस्थान के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, उस टाइम पे यहाँ पे कोई सरोवर रहा होगा। ये देखते आज भी पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। ये देखिए अंकल जी है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका क्या नाम अंकल जी? मेरा आकम सिंह लोधी। अच्छा, तो मैं जुकुर बात करूँ, आप यहाँ पे निगरानी करते हो किसकी? जी जी, तो आपके सामने वो शूट हुआ है, आप यहीं पे थे उस वक्त? जी जी, तो ये देखते हैं हमारे अंकल जी मौजूद है हमारे बीच में। तो इसका बहुत ही गहरा इतिहास होगा जी, किसकी किसकी रियासत थी ये? ये राजा शिषपाल की नगरी बोला जाता है। जी जी, अपने जी जी भगवान कृष्ण जी भगवान कृष्ण की जी जी शिषपाल और भगवान कृष्ण दोनों जी जी भैया जी जी स्त्री पिक्चर हुई थी जो स्त्री बल जी जी यहाँ मंडप रहता है, यहाँ से श्रद्धा कपूर जाती है लहंगा का नाप देने, कुंवर राव ऊपर बैठते हैं, ऊपर बैठे रहते हैं। ये ऊपर पहले का सीन है, वो दिखाइए कहाँ कहाँ सीन फरमाए गए थे इसमें। अब अंकल जी को तो यहाँ को बखूबी पता भी है, क्योंकि भाई अंकल जी यहाँ के हैं निवासी, ठीक है। और अंकल जी के सामने वो शूट हुई भी है इस किले में, ठीक है। और ये देखते हैं भाई पुरानी रियासत है, एक सीन यहाँ का भी है। अंकल जी यहाँ का बताइए हमारे दर्शकों को, यहाँ वो साड़ी लेके आते हैं जो, तो वो हमारे किसान भाइयों को बताइए एक बार। तो ये हमारे अंकल जी हमारे बीच में मौजूद है जो यहाँ की निगरानी करते हैं, ठीक है। और इनके सामने वो पूरी पूरी पिक्चर बनी है, ये देखते हैं आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। वो कहाँ हुआ था सीन? यहाँ पे श्रद्धा कपूर बैठते हैं, मैम जो भी रोल रहती है यहाँ पे, ये पत्थर आते हैं तो वहाँ ये पत्थर नीचे रहते हैं, एक जी जी एक पट्टी टाइप की रहती है जो अपन जा सकते हैं, ये फर्शी जैसे ये है। जी जी जी, ऐसी रहती है यहाँ पे। जी जी, यहाँ से यहाँ हीरो रहते हैं जी जी, इसलिए बताते हैं जी जैसे सलवार कुर्ता चंदरी का जो भी हमारा आइटम, चंदरी साड़ी फेमस है हमारी चंदरी की। जी जी, वो सब बताते हैं उनके लिए, वो पसंद करते हैं। अच्छा, चंदरी की साड़ी बड़ी फेमस है जी। अच्छा, स्त्री जो वो साड़ी पहनती है वो भी वही पहनती है? चंदरी साड़ी पहनती है। जी जी, तो वो सीन यहाँ से लिया गया है। तो जो आप बता रहे हैं राजकुमार राव किधर से आते हैं? इधर से आते हैं यहाँ। जी जी, हीरोइन बैठती है यहाँ से अपना कपड़ा पसंद करती है, वो चंदरी साड़ी है जैसे सलवार सूट वगैरह है। जी जी, अपना पसंद करती है। जी जी, तो वो सीन यहाँ से बखूबी लिया गया है। अच्छा, वो उड़ के कहाँ से जाते हैं अंकल जी, वो बताइए? यहाँ से जाते हैं, उड़ के हीरोइन वहाँ रहती है, हीरोइन का उधर खड़ी रहती है। जी जी। अच्छा, सपने का गाना है, कभी वो गायब हो जाती कभी आ जाती, तेरे बिन तेरे ही रहेंगे। हाँ, तेरे बिन तेरे रहेंगे। ये देखते भाइयों, तेरे हैं तेरे ही रहेंगे, वो सॉन्ग यहाँ से फरमाया गया। अच्छा, ये पाइप देख रहा हूँ, उन्होंने लगाया ये? जी नहीं, वो दोबारा चालू हो जाता। अच्छा अच्छा, वो जाली जाली कर देते गिर गिर। अच्छा अच्छा, ग्रिल अपनी लगाते हैं वो? जी जी। अच्छा, मेज वगैरह पड़ जाती है, वो आपकी होती है उनकी होती है? हमारी अंकल जी की होती है। ये देखते हैं, इसका इतिहास बता सकते हो, क्या इतिहास है इसका? इतिहास तो इसका वैसे कहा जाता है कि ये राजा शिषपाल की नगरी चंदरी है। जी जी, ऐतिहासिक नगरी बोला जाता है। इसके बाद में बहुत से राजाओं ने राज किया। जी जी जी, जैसे चंदेल परमाल जी जी हैं, बुदेरों ने भी राज किया, लास्ट में किया है 1600 में राजा दुर्जन सिंह जी ने। जी जी जी, जो बाबर ने चढ़ाई की कटी घाटी काट के। जी जी अंकल जी, तो बाबर ने चढ़ाई की तो खूनी दरवाजा बोला, एक रात में कटी घाटी का निर्माण किया गया था, ये तो बात सत्य है जी। हाँ जी जी, तो चढ़ाई करी तो सब राजा और सेना मर चुके थे। जी जी, यहाँ पे 60 रानियाँ जौहर ऊपर खिलाफ है। जी जी, तो जौहर ताजी बना हुआ है, इनका ये इतिहास है, बहुत से राजाओं ने राज किया है। जी जी जी, तो ये देखते हैं भाई यहाँ की एक इतिहास है यहाँ का, ठीक है। ये देखते हैं अंकल जी, रात के समय में कोई आता होगा यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता, बंद कर दिया जाता है। अच्छा, मंजिल है पूरा, एक मंजिल वो नीचे है, इसके नीचे। जी जी, ये देखते, ये देखते हैं, यहाँ से दिखा देंगे हम आपको, वही वाकई में बहुत है ये तो नीचे तक। हाँ, ये देखो भाई, ये नीचे तक है ये। अंकल जी कह रहे एक मंजिल और नीचे तभी हुई है इसके, तो इसके नीचे भी एक मंजिल और होगी। इसका पता नहीं है, लेकिन एक मंजिल और है, जैसे ये बना है ऐसे ही। भाइयों ये चलते हैं जी, इस प्रकार का जी किला, ये देखते दोस्तों, अंकल जी बीच में मौजूद है, मंदिर है और किला भी है सामने। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि वो सीन क्या फरमाया गया था, वो बताइए। यहाँ पे हीरो रहते हैं, पलंग रहता है, यहाँ पे सोते हैं छत पर। जी जी, उधर से पंकज त्रिपाठी आते हैं, इधर से आते हैं पंकज त्रिपाठी। जी 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 जी, और यहीं स्त्री बन की होती, मंडप रहता है। जी जी जी, हाँ जी, वही लोकेशन है। जी जी, तो यहाँ पे वो सीन फरमाया गया है। जी जी, तो ये देखते हैं, और राजकुमार राव भी रहते हैं यहाँ पे। हाँ, शुरू स्त्री गणेश की यहीं से होती है। जी जी, तो ये देखते हैं,
वन भी यहाँ होती है, मंडप रहता है, स्वागत सीन जो लिया गया था वो भी अच्छा, वो यही कही है सारा। हाँ। तो यहाँ पे पूरी सजावट कर दी गई इसकी, सजावट जी जी। तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चरें बन चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये लोकेशन है और सीन वहाँ पे पलंग पड़ा रहता है, वो पलंग आपका होता है या उनका होता है? उन्हीं का होता है, उन्हीं का होता है वो पलंग। तो सारा सेटअप अपने आप ही लेके आते हो? 400 लोग आते हैं कम से कम जी जी। यहाँ तो भीड़ लग जाती होगी बहुत पे भाई। ये एक रजिस्टर है, इसमें आप सबकी एंट्री करते हो जी जी। तो ये पूरी पिक्चर आपके सामने बनी है? हमारे सामने बनी है। कौन कौन सी पिक्चर बनी चुकी है अब तक इसके अंदर? इसके अंदर बहुत सी पिक्चर बन गई, 4-5 पिक्चर बन गई। एक तो बनी है स्त्री वन, स्त्री टू भी बनी इसके अंदर, पलंग बनी है जी जी, सुविधा का बनी है। अच्छा, सुविधा का भी बनी है इसके अंदर। देख लो बेटा, जो पिक्चर बनी है स्त्री वो इसी के अंदर बनी है। आप यहाँ पे थे जब मतलब एक्टर वगैरह थे, श्रद्धा कपूर से मिले हो आप? तो यहाँ का भी कोई सीन लिया गया इधर का रास्ते का कुछ? अच्छा, वो हाथी का सीन लिया गया और हाथी के अंदर छुप जाते हैं रात को, वो सरकट आ जाता है उस ग्राउंड में, वहीं हुआ था वो। तो आप तो देख रहे हो यहाँ से पिक्चर बनते हुए, तो बहुत भीड़ लग गई हो गया। तो ये फैमिली आप कहाँ से आए हो जी? भोपाल। अच्छा, इसको इस चीज़ को देखने आए हो आप? आप बड़े होके क्या बनोगे? आर्मी में जाओगे, पुलिस वाले बनोगे, क्या बनोगे आप? देखूंगा जी। आइए देखते हैं। तो ये देखते भाई, आज मैं आया हूँ उसी लोकेशन पे और ये फैमिली आई हुई है भोपाल से और काफ़ी दूर दूर से इस चीज़ को लोकेशन को। ऊपर चले भाई एक बार, चले चलते हैं ऊपर। आज आपके राजा रानी का जो महल है पूरा दिखाई देंगे। यहाँ पे वो सीन फरमाया गया था। मेरे साथ में भाई है, मौजूद है हमारे सैनी भाई, तो ये मुझे ऊपर लेके चलेंगे क्योंकि इन्होंने ये देखा है। ठीक है, ऊपर कहाँ से जाएगा? इधर से ही, इधर इधर से सामने से। ये देखते भाई, ये देखो कितनी सुंदर कलाकृति है और महलों के अंदर महल। ये देखते भाई, सन्नाटा मौजूद है, यहीं को कहीं को जीना है। इधर को है शायद, आ जाओ इधर को है, इधर को। ये देखते भाई, इधर कोई है कोई? और कमरों के अंदर कमरे, इधर को तो नहीं होगा यार, देखते हैं। अरे ये तो दोस्तों ऊपर जाएंगे हम, कहीं यहीं को कहीं को जीना होना चाहिए यार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मेरे साथ में एक भाई मौजूद है, इस प्रकार के कमरे हुआ करते थे उस ज़माने में। ये राजा रानी का महल आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, ये मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। ये है जीना, देखो कहीं को है कभी चांद चमगादड़ ना चिपट जाए। देखो चमगादड़ उड़ रही है, ऊपर नीचे आओ नीचे नीचे आओ। ये देखते भाई दूसरे रास्ते, अरे दूसरे रास्ते चलेंगे, दूसरे से चलेंगे भाई किसी से। और भाई यहाँ भी चमगादड़ है भाई, कहीं जी जी। पूरा परिवार घूमने के लिए आया हुआ है। आप कहाँ से आए हो जी? आप कहाँ से हो भैया? चंदेरी। चंदेरी से आए हो? आपने देखी है पिक्चर स्त्री टू? हीरोइन देखे आपने? श्रद्धा कपूर देख ली? अच्छा, ये देखते हैं भाई। और ऐसे लोग आते रहते हैं घूमने के लिए। भाई हमारे बीच में मौजूद हैं और वो जो सीन यहाँ से फरमाया गया है ये देख सकते हैं। ये देख लीजिए, जिन्ना जा रहा है ऊपर, यही है शायद। यहाँ पे सूट हुआ है भाई, मुझे ऊपर जाना है इसके। यहाँ पे वो उड़ के जाता है, वो सीन यहाँ से लिया गया है भाई। जी जी भाई, यहाँ से दिखाया गया है और इस चीज़ को आज हम रियल में देख रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाइयों, यहीं से वो हीरोइन का जो सूट है यहीं से फरमाया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं भाइयों। और यहाँ के चंदेरी के भाई देखने के लिए आए हैं इस जगह को। ठीक है, आपने रियल में देख लिया भाई? हाँ भाई। अच्छा, यहीं पे रहते हैं, देखते हैं। अच्छा, आपने भी देखा है बेटा उनको? हीरोइन श्रद्धा कपूर से मिले हो आप? दूर दूर से देखा होगा है ना? ये देखते हैं भाइयों। और ये छोटो है, बेटा क्या नाम आपका? हेलो तो कर लो, क्या नाम आपका? आप बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर इंजीनियर क्या बनोगे आप, या पुलिस में जाओगे? पुलिस बनोगे आप? ये देखते भाइयों, बड़ा चंड बच्चा है जी। और ये देख लो भाइयों, यहाँ से उड़ के जाता है भाई वो श्रद्धा कपूर, उधर खड़ी रहती है। और ये जिन्ना जा रहा है, चलते ऊपर, आ जाइए, वो मिल गया जिन्ना में, उधर को चलते हैं भाइयों। और ये राजा रानी का जो महल है मैंने आपको पूरा लगभग दिखाई दिया है। इस प्रकार के कमरे हैं पूरे महल में, कमरों के अंदर कमरे हैं भाइयों। और इसको हम देख रहे हैं आज पहली बार, यहाँ थी श्रद्धा कपूर और यहाँ पर खड़ी रहती है वो श्रद्धा कपूर। ठीक है, सबसे बड़ी बात है पहले बहुत रौनक रही होगी यार उस जमाने में, क्या रौनक रही होगी, कमरों के अंदर कमरे, एक कमरा फिर उसके अंदर एक और कमरा। ठीक है भाइयों, ये देख लीजिए, ये देखो भाइयों कितना शानदार महल है जी। ठीक है, और ये फैमिली आई हुई है और चलते हैं भाई ऊपर, चलते हैं, आ जाओ। ये मिल गया हमें रास्ता ऊपर जाने का भी। ठीक है, ये देखते दोस्तों, दिखा रहा हूँ राजा रानी का जो ये महल है जहाँ पे स्त्री टू शूटिंग लोकेशन हुई है। ये देखो भाई, लगभग ऊपर ही आ चुके हैं हम, और इसके ऊपर भी एक जिन्ना जा रहा है, यहीं से जा रहा है जिन्ना। ठीक है, ये देख लो क्या शानदार महल है। और पहली बार भाई आज हम मेरे साथ जा रहे हो आप, हैं इससे पहले नहीं गए होंगे आप? ये देखो ऊपर से कितना कैसा है। ठीक है, ये देखो भाई, यहाँ पे निगरानी रखने के लिए इस प्रकार की ये बनवाई जाती थी। यहाँ से पूरा चमक रहा भाई,
निगरानी रखा करते थे जो सैनिक वगैरह होते थे, ठीक है। और आखिरकार हम किले पे पहुंच ही गए भाइयों। ये देखो भाई रास्ता हमने निकाल ही लिया। कुछ रास्ते ऐसे हैं इसके जहाँ पे चमगादड़ वगैरह है, ये देखते भाइयों। ये भाई भी देखने के लिए आए हुए हैं इस चीज़ को। और देखो भाइयों कमरों के अंदर कमरे, ये देखो एक खिड़की, एक खिड़की है इसमें। और देखो आ जाओ भैया, ये खिड़की देखो काफ़ी पुरानी हो गई यार, बहुत पुरानी है यार। और यहाँ से साफ साफ व्यू भी देख सकते हैं आप सभी। एक खिड़की ये भी है भाई, शीशे से लगे पुराने ज़माने की खिड़कियाँ हैं। ये क्या चीज़ है भाई, ये भी देखने के लिए है भाई। और आज तक किसी ने ये सामान वगैरह रखने के लिए छोटी सी आली घुमाई जाते थे। और पहली बार मैं दिखा रहा हूँ आपको ये पूरा महल। इसके ऊपर भी चलते हैं आज, आज आपको पूरा ही दिखा देंगे कैसा व्यू आता है यहाँ से। ये देख लीजिए आ चुके हम महल पे। महल के ये फर्स्ट यानी सबसे ऊपर एक मंजिल है। और यहाँ से भाइयों पूरा ही पहाड़ चमक जाते हैं, क्या शानदार व्यू है। और ये देखो पूरा चंदेरी देख लो जी, किला भी चमक रहा है। थक चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं भाइयों, मेहनत वहाँ पे मतलब उन लोगों ने शूट किया था। अच्छा कहाँ पे? वहाँ पे। अच्छा उधर उधर शूट किया था जो ये महल मैंने आपको पूरा दिखा दिया। ऊपर भाई वो वहाँ भी जाने का कहीं से रास्ता है, उसके ऊपर को जाएंगे फिर, हाँ, फिर महल आएगा। तो ये देखते हैं, चलोगे मेरे साथ में उस पर? हाँ, चल सकते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई चलेंगे मेरे साथ में, मुझे वहाँ जाके देखना है कैसा व्यू आता है चंदेरी का। पूरा चंदेरी दिखा दूँ आज आपको। और ये पहाड़ भाई, पहाड़ बहुत है यार आपके यहाँ, यहाँ से पहाड़ों की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी ठंड है यार, यार बारिश देखो, देखो बारिश वगैरह होती रहती है भाई, ठीक है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ किले के टॉप पे हूँ मैं इस टाइम भाइयों। इधर से पूरा का पूरा चंदेरी देख लो भाइयों, मज़ा आ गया भाई चंदेरी देख के, ठीक है। और वो सीन यहाँ से ले गया भाई, एक सीन यहाँ से ले गया है ना, वो यहाँ पे बैठी रहती है श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव, साड़ी लेके आता है ना, वो ये लोकेशन है भाइयों, ठीक है। मैं किले के ऊपर हूँ क्योंकि मैं आपको भाई वीडियो दिखाता हूँ सबसे बढ़िया, ठीक है। यहाँ से रास्ता, फिर रास्ते के अंदर से एक जिन्ना जा रहा है, तीन चार जिन्ने हैं भाइयों, इसके अंदर फिर एक और कमरा, ठीक है। और भाइयों आ चुके हम इधर को, ये देख लीजिए भाइयों, मेहनत बहुत लगी, मैंने आपको पूरा ही दिखा दिया ये, ठीक है। ये देखते हैं, और ये काफ़ी बड़ा किला है। कैसा लगा आपको किले में घूम के? अच्छा लगा? अच्छा आपने देखी, आपने भी देखी हीरोइन, आपने भी देखी है? हाँ। अच्छा दूर से देखी होगी बेटा, है ना? ऊपर हाँ, वहाँ भी गए हो आप घूमने के लिए कभी उस पर? हाँ, गए हैं। कैसा लगता है वहाँ से? अच्छा लगता। ये देखते हो तो बहुत ऊंचाई पे है। हाँ। तो भाई वो किसी राजा का था, देखो वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे चमक रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे। मैं वहाँ भी जाऊँगा क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, ये यहाँ से देखिए, ये देखो भाई राजा रानी का महल देख लीजिए इधर से। ये देखो भाई पूरा महल दिखा दिया मैंने आपको, और इधर भी कुछ रहा होगा उस टाइम का, पुराने ज़माने का, अब तो खंडर हो गया, ठीक है। ये देख लो जी भाई, और अब ऊपर लेके चलते हैं जी, वहाँ पे जाएंगे अब आपको लेके, ठीक है। ये देखो भाई, ये था राजा रानी का महल, ठीक है, जहाँ पे स्त्री 2 शूटिंग लोकेशन हुई है, पूरी की पूरी पिक्चर फरमाई गई है। और अब आपको किले पे लेके चलेंगे। ये भाई हमारे बीच में मौजूद है सैनी भाई, ठीक है। तो इन भाई ने हमें ये किला दिखा दिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और एक बार यहाँ को भी चले यार, इस पर भी जा रहा है ऊपर से रास्ता, है चले एक बार, ये क्या है एक बार, ये नीचे यहाँ कमरा है एक, हाँ भाई कमरा है भाई। आज तक किसी ने नहीं दिखा होगा इतने अच्छे तरीके से। भाई हमारे बीच में मौजूद है, और किला घूमते घूमते भाई अच्छी नहीं था क्या बस? अच्छा ये देख सकते हैं जीना है, देखो कहीं जीना जा रहा होगा। टॉप पे जाएंगे आज इसके, क्योंकि भाई मेहनत कर दें आपके लिए, और सबसे ज़्यादा मेहनत इस भाई की है। इस भाई की मेहनत को सलाम करते हैं। इस भाई ने मुझे ये व्यू दिखाया भाई, मज़ा ही आ गया। ये देखो भाई थक गए हैं क्योंकि भाई बहुत ऊंचाई पे है, सबसे बड़ी बात है काफ़ी ऊंचाई पे है। यहाँ से पूरा चंदेरी दिखता है जी, ये देखो भाई, और चंदेरी का काफ़ी गहरा पूर्ण इतिहास रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लीजिए, देखो ये देखो भाई ये है चंदेरी। तो ये था भाई राजा रानी का महल, और भाई ने दिखाया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लीजिए भाइयों अब चलते हैं जी, ये देखते दोस्तों। और ये पूरा का पूरा सीन यहीं पे फरमाया गया है। मैंने आपको पहली बार ये राजा रानी का जो महल है मैंने दिखाया भाइयों, ठीक है। तो भाइयों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाइयों राम राम, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।